लालू यादव कभी भैंस की सवारी करते, कभी गाय का दूध निकालते। इन तस्वीरों ने इनकी इमेज बिल्डिंग में बहुत मदद की। ये तस्वीरें जमीन से जुड़े नेता की छवि और अपने वोटर को मैसेज देने के लिए काम भी आई। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब गाय भैंसों का चारा लालू के गले की फांस बन गया, उन्हें जेल जाना पड़ गया। अब लालू और उनके परिवार के खिलाफ एक और केस है जिसका एक सिरा गौशाला से जुड़ता दिख रहा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस केस के एक मामले में राबड़ी देवी की गौशाला में काम करने वाले हृदयानंद चौधरी को नौकरी चाहने वाले ने जमीन ट्रांसफर की थी। बाद में हृदयानंद चौधरी ने यह जमीन लालू और राबड़ी की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर की। लैंड फॉर जॉब मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो चार्जशीट दायर की गई उसमें अमित कातिल, लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिसा भारती हेमा यादव के अलावा हृदयानंद चौधरी का भी नाम है। हृदयानंद चौधरी वही है गौशाला वाले। हृदयानंद के अलावा अमित कातिल नाम के जिस शख्स का चार्जशीट में नाम है उसके बारे में भी जान लीजिए। कातिल लालू परिवार का करीबी और इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का प्रमोटर है। आरोप है कि नौकरी चाहने वाले कुछ लोगों ने पहले इस कंपनी को प्रॉपर्टी दी जो बाद में लालू परिवार के सदस्यों को दी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब का मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव यूपीए की एक ही सरकार में रेल मंत्री थे। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती निकली थी। आरोप है कि इन्हीं सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई। इस मामले में पहले लालू यादव और अब उनके बेटे से पूछताछ की गई। आरजेडी जहां ऐसे लोकसभा चुनाव से पहले बदले की भावना से की गई सियासी कार्रवाई बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि यह तो होना ही था। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरी लाल टीवी। मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।